हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग सब्जेक्ट हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हमारा टॉपिक है उपसर्ग के प्रकार। इसके पहले हमने उपसर्ग का कौन सा प्रकार पढ़ा था, तो हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अरबी फारसी के उपसर्ग। अब ये उपसर्ग पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो आइए चलते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग की तरफ कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो अरबी फारसी के। तो ये है सर, बे, बा, बद, कम, खुश, गैर और ना। और भी बहुत से अरबी फारसी के उपसर्ग हैं पर हम जस्ट एग्जांपल के तौर पे इतना ही देखेंगे। तो आइए चलते हैं। जैसे देखिए ये सर है, तो हमारी व्याख्या क्या थी कि कोई भी शब्द के आगे अगर कुछ नया शब्द जोड़ने से क्या होना चाहिए, शब्द में विशेषता आनी चाहिए या नवीनता आनी चाहिए या तो एक नया शब्द बनना चाहिए। तो देखिए जैसे ये ताज है, ताज में अगर हम सर जोड़ दिए तो क्या बना, सरताज। ये पंच है, पंच में अगर हम सर जोड़ दिए तो क्या बना, सरपंच। इसी तरह से हमें अगर और भी एग्जांपल लिखना हो तो कार में अगर सर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सरकार। देखिए जैसे सर कार। उसके बाद में ये कसूर, ये बे है, अगर कसूर में हम बे जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, बेकसूर। फिर उसी तरह से अगर चारा में हम बे जोड़ दे रहे हैं तो क्या बनेगा, बेचारा। अगर इसी तरह से और एग्जांपल देखना चाहें तो बेपनाह। ठीक है, उसके बाद में ये ब है, तो अगर कायदा में हम ब जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, बकायदा। ये अदब, अदब में अगर हम ब जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, बदब। ठीक है, इसी तरह से और अगर एग्जांपल देखना चाहें तो रात में अगर हम बा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बारात। ठीक है, इसी तरह से ये सूर बद है, बद में अगर हमें उपसर्ग बनाना है अरबी फारसी का तो अगर सूरत में अगर हम ब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बदसूरत। इसी तरह से अगर नाम में अगर हम बद जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, बदनाम। अगर और एग्जांपल लिखना हो तो जात में अगर बद जोड़ेंगे तो बदजात। उस तरह से अब कम है, कम अगर ये उम्र में हम कम जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, कम उम्र। फिर ये जोर में अगर हम ये कम जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, कमजोर। इसी तरह से अगर नसीब में कम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कम नसीब। अब आइए आगे देखते हैं, खुश, अगर ये दिल में हम खुश जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, खुश दिल। फिर ये मिजाज में अगर हम खुश जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, खुश मिजाज। अगर किस्मत में हम खुश जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, खुश किस्मत। ठीक है, उसके बाद गैर है, गैर को अगर हम सरकारी में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गैर सरकारी। ठीक है, अब ये कानूनी है, कानूनी में अगर हम गैर जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, गैर कानूनी। उसके बाद में लास्ट है ये ना, अगर हम चीज में ना जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, ना चीज। उसके बाद में लायक, लायक में अगर हम ना जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, ना लायक। इसी तरह से अगर समझ में अगर हम ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ना समझ। तो ये पूरा हमारा क्या है, आज अरबी फारसी का उपसर्ग था। ये पूरे के अरबी फारसी के उपसर्ग हैं, इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, ये एग्जाम्पल बनाया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।